दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों को अपना लक्ष्य के YouTube प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों हम लोग चल रहे थे इंडियन ज्योग्राफी, जो है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हमने बात कही थी। जो इंडियन ज्योग्राफी है, समस्त इंडियन ज्योग्राफी सिर्फ 15 लेक्चर में पूरी पढ़ लेंगे हम लोग, सिर्फ 15 लेक्चर में। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला लेक्चर हो चुका था, आज हम बात करेंगे दूसरे लेक्चर की। अब आज जो दूसरा लेक्चर है मित्रों, वह है पृथ्वी की गतियाँ, अर्थात हम आज पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियाँ। मित्रों आज हम लोग पृथ्वी की गतियाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो पृथ्वी की गतियाँ हैं, देखा जाए जो पृथ्वी हमारी गति करती है मित्रों, वह दो प्रकार से गति करती है। जो पृथ्वी गति करती है वह दो प्रकार से करती है। जो पहली गति है वो है घूर्णन गति। मित्रों जो पहली गति करती है वह है घूर्णन गति, और जो दूसरा गति करती है उसे परिक्रमण गति बोलते हैं, उसे परिक्रमण गति बोलते हैं। मित्रों पृथ्वी हमारी दो प्रकार से गति करती है, पहली घूर्णन गति और दूसरी परिक्रमण गति। जो घूर्णन गति है मित्रों, इसमें क्या है कि जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष के परितः घूमती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो पृथ्वी है हमारी, यह पृथ्वी है, तो यह पृथ्वी है और यह 23.5 अंश क्या हुई है मित्रों, झुकी हुई है, और यह क्या करती है अपने अक्ष के परितः अर्थात इसी में घूमती है। जब और जब परिक्रमण गत करेगी तो मित्रों वह सूर्य के परितः, वह क्या करेगी सूर्य के परितः क्या लगाएगी चक्कर। यह पृथ्वी है और ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो जब यह परिक्रमण करेगी तो सूर्य के परितः लगाएगी, और जब यह घूर्णन गत करेगी तो अपने अक्ष के परितः लगाएगी। मित्रों हमने सीखा पृथ्वी हमारी दो प्रकार से गत करती है, पहली हो गई घूर्णन गति और दूसरी हो गई परिक्रमण गति। जिसमें घूर्णन गति जब करेगी तो वह अपने अक्ष के परितः घूमेगी, और जब परिक्रमण गति करेगी तो वह सूर्य के परितः घूमेगी, ठीक है मित्रों। अब जब यह अपने अक्ष के परितः घूमती है तो क्या होता है मित्रों, इसमें से हमारे रात और दिन होते हैं, रात और दिन होते हैं। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं घूर्णन गति को क्या कह सकते हैं, दैनिक गति। मित्रों जो घूर्णन गति है उसको क्या नाम दिया जा सकता है, दैनिक गति। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वह एक चक्कर लगाने में 23 घंटे का समय लेती है अपने अक्ष के परितः, ये अक्ष के परितः घूमना। देखिए मित्रों ये जैसे मार्कर है, इसको आपस में ऐसे घुमा दीजिएगा तो ये क्या हुआ, ये अपने अक्ष के परितः चक्कर लगा रही है। क्या कर रही है, ये अपने अक्ष के परितः चक्कर लगा रही है। और जब यह सूर्य के परितः चक्कर लगाएगी तो क्या होगा, वो पूरा सूर्य का चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो इसे परिक्रमा बोलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए घूर्णन गति को हम और क्या कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं। और 24 घंटे में यह कितना अपने अक्ष के परितः एक बार घूम जाती है। इसके बाद बात करें परिक्रमण गति की, तो मित्रों यह जो है परिक्रमण गति, यह इसको पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। यह परिक्रमण करने में, परिक्रमा जब करती है तो टाइमिंग लेती है 365 दिन और 6 घंटे। तो मित्रों इसको हम कहा जा सकता है, इसको क्या कहा जा सकता है, इसको परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी बोला जा सकता है, वार्षिक गति। मित्रों वार्षिक गति क्यों बोलेंगे, क्योंकि यह जो चक्कर लगा रही है वह एक साल में लगा रही है, एक साल में। तो जो वह चक्कर लगा रही है कितने, एक वर्ष में लगा रही है, और यह कितने, यह दैनिक लगा रही है अर्थात 24 घंटे में। इतनी बात समझ में आ गई मित्रों। चलिए अब देखिए, तो घूर्णन गति में क्या हुआ, सूर्य जब पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के परितः घूमती है तो उसे क्या कहेंगे, परिक्रमण गति कहेंगे। मित्रों इतनी बात समझ में आ गई, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई। चलिए अब देखिए, ये देखने के बाद घूर्णन गति को दैनिक गति क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब यह अपने अक्ष के परितः घूमती है तो एक दिन अर्थात 24 घंटे में क्या करती है, 24 घंटे में
एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिस कारण से रात और दिन होते हैं। जबकि जब परिक्रमा गति करती है तो मित्रों इसमें क्या होता है, परिक्रमा गति करने के बाद इसमें क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जब वह परिक्रमा करती है तो क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। हमारा शीत ऋतु आता है, ग्रीष्म ऋतु आता है, बसंत, ये सारी ऋतुएं जो है किसमें, परिक्रमण गति के कारण होती हैं। जो समस्त गतिविधि ऋतुओं की होती है पृथ्वी पर, वह परिक्रमण गति के कारण होती है। और जब घूर्णन गति करती है तो रात दिन होती है। मित्रों इतनी बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे ये देखते हैं, आगे देखते हैं मित्रों। चैनल का नाम बता दूं, चैनल का नाम है अपना लक्ष्य। इसको YouTube पे सर्च करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग देख रहे थे, इसके बाद देख लेते हैं मित्रों क्या होता है। अब देखिए जब वह घूर्णन गति करती है तो हमने देख लिया, जो घूर्णन गति करती है 24 घंटे में करती है, अर्थात एक्चुअल में देखा जाए तो वह 24 घंटे में ना करके 23 घंटे 52 मिनट में पूरा करती है। मित्रों एक बार फिर से, एक्चुअल में देखा जाए जो हमारा पृथ्वी है घूर्णन जब गति करती है, घूर्णन गति करती है तो वह 24 घंटे में ना करके एक्चुअल में देखा जाए तो 23 घंटे 52 मिनट में पूरा करती है, 23 घंटे 52 मिनट में पूरा करती है। और यही बात जब किसकी देखा जाए, यही बात जब परिक्रमण गति की तरफ देखते हैं, किसकी तरफ, परिक्रमण, तो जब परिक्रमण करती है तो वह 365 दिन 6 घंटे में, तो वह कितने दिन में, 365 दिन वह 6 घंटे में। मित्रों वह कितने, 365 दिन वह 6 घंटे में पूरा करती है। अब एक चीज बताइएगा, अगर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, अगर वह पहले वर्ष चक्कर लगाया कितना, 365 दिन वह कितने घंटे 6 घंटे। इसी तरह क्या होगा, इसी तरह जब वह दूसरे वर्ष में चक्कर लगाएगी तो दूसरे वर्ष में चक्कर लगाने में भी कितना समय लगेगा, 365 दिन वह 6 घंटे। इसी तरह जब वह तीसरे वर्ष चक्कर लगाएगी तब समय कितना लगेगा, 365 दिन वह 6 घंटे। इसी तरह मित्रों जब वह चौथे वर्ष चक्कर लगाएगी फिर कितना समय लेगी, 365 दिन 6 घंटे। तो मित्रों देखा जाए कि जब वह चक्कर लगा रही, पहले से दूसरा, दूसरे तीसरे चौथे साल में क्या होता है, दिनों की संख्या तो सेम है लेकिन ये जो 6-6 घंटे हैं ये जाके कितने घंटे हो गए, 24, अर्थात कितने घंटे हुए, 24। तो कहने का तात्पर्य यह है 24 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे का मतलब एक दिन हो चुका है, क्या हुआ है, एक दिन हो गया है। तो यहाँ पे कितने दिन थे, 365 दिन। इसके बाद अब क्या हो जाएंगे, जो अगला वर्ष होगा क्या हो जाएगा, 366 दिन का हो जाएगा। मित्रों तो 4 वर्षों में कौन सा दिन होता है, 366 दिन का होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको लीप वर्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं मित्रों, उसको लीप ईयर बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं मित्रों, इसको लीप ईयर बोलते हैं। इसके बाद आगे की बात करें, कुछ इसमें से पृथ्वी की गतियों में कुछ चीजें हैं, जैसे मकर संक्रांति कब होती है, उत्तरायण कब होता है, कर्क संक्रांति कब होती है, ये सारी चीजों को देखेंगे। विषुव क्या है, दो मित्रों ये सारी चीजों को देख लेते हैं। चलिए हमारी यह पृथ्वी है, इसको पहले हम सूर्य मानते हैं, ये हमारे सूर्य भगवान जी हैं, ठीक है, ये सूर्य हैं। अब जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है जो 23.5 अंश झुकी हुई है और बीचों बीच से कौन सी रेखा गई है, विषुवत रेखा गई है। सभी लोगों को पता है कि बीचों बीच कौन सी रेखा गई है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। मित्रों जब यह पृथ्वी क्या करेगी, सूर्य की परिक्रमा करेगी, तो बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं रहता है कि क्लॉकवाइज करती है हमारी पृथ्वी गति या एंटी क्लॉकवाइज करती है। तो मित्रों अगर ये देखा जाए तो जो हमारा है यह
क्या करती है, एंटी क्लॉक वाइज, अर्थात घड़ी की सुइयां हमारी ऐसे चलती हैं और पृथ्वी हमारी परिक्रमा कैसे करती है, एंटी क्लॉक वाइज, अर्थात जो घड़ी घड़ियों की सुई है उसके विपरीत क्या करती है, चक्कर लगाती है। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आप सभी लोगों को। इसके बाद बात करें आगे, तो हमारी जो पृथ्वी है सूर्य की जो परिक्रमा करती है वो किस प्रकार करती है, तो मित्रों वह दीर्घवृत्ताकार के आकार में करती है। कैसे करती है, दीर्घवृत्ताकार के आकार में करती है। अब दीर्घवृत्ताकार क्या है, आप लोग देख रहे होंगे फिगर में, ये दीर्घवृत्ताकार है, अर्थात जो हमारी पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर करती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, इसमें क्या देखते हैं मित्रों, जब यह पृथ्वी यहां से यहां तक आएगी, ये पृथ्वी आ गई, ठीक है, क्या हो गई, ये पृथ्वी आ गई, और पृथ्वी क्या है, बीचों बीच से एक रेखा गई है जिसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं मित्रों, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोला जाता है। इसके बाद आगे ये पृथ्वी यहाँ आ गई, इसके बाद ये रेखा गई है ये, इसके बाद फिर कहीं ना कहीं पृथ्वी यहाँ आ जाएगी, फिर ये होके फिर ये, ठीक है। अब देखिए जो ये रेखा खींची हुई है, ये रेखा कोई नहीं है, ये सिर्फ अपने अच्छे पे 23.5 अंश क्या है, झुकाव है, और यह रेखा जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जिस कारण से इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोला जाता है, या भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जीरो अक्षांश पर स्थित होने के कारण इसे क्या बोला जाता है मित्रों, इसे विषुवत रेखा बोला जाता है। चलिए अब जब यह पृथ्वी की जब परिक्रमा करेगी तो 3 माह लग जाते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, इसके बाद फिर ये यहाँ से यहाँ आने में फिर कितना समय लग जाता है, 3 माह का, इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ आने में फिर कितने माह का समय लग जाता है, 3 माह का, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग जाता है, 3 माह का। तो जो मित्रों यह चक्कर लगाती है पूरा पूरा कितना देखा जाए तो ये कितने माह हो गए, 12 माह, अर्थात एक साल में यह क्या करती है, पूरा चक्कर पूरा करती है, किसके पड़ता है, सूर्य के पड़ता है। इतनी बात सभी लोगों को समझ आ जानी चाहिए। चलिए अब हमने बोला क्या था कि कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, उत्तरायण, दक्षिणायन, ये सब क्या होता है, विषुव क्या होता है, तो मित्रों इसको देख लेते हैं। तो जो यह सूर्य है, सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो क्या पड़ता है, ऐसे ये जो प्रकाश है ये ऐसे जाएगा। तो देखो मित्रों अभी हम आपको क्या बताए थे इसके पहले वाली वीडियो में, वो ना देखो हो तो आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारी उसी के आगे वो अगर नहीं देखी है तो फिर इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मित्रों यह पृथ्वी है, पृथ्वी के जो बीचों बीच भाग से डिवाइड करती है वो उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके बाद अगर 23.5 अंश, ये कितने अंश पे है, 0 अंश पे, अगर 0 अंश पे है तो कहीं ना कहीं 23.5 अंश होगा, तो जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये 23.5 अंश आपको मिलेगा, इसके बाद कहीं ना कहीं 23.5 अंश अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ मिलेगा, तो जो ऊपर जाएंगे ऊपर वाली को कर्क रेखा बोलेंगे, क्या बोलेंगे मित्रों, कर्क रेखा, और जो नीचे जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, मकर रेखा। मित्रों नीचे वाली को क्या बोलेंगे, मकर रेखा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो यहाँ ये बीचों बीच से विषुवत रेखा गई हुई है, इसके जस्ट नीचे देखेंगे, इसके जस्ट किस कहाँ देखेंगे, नीचे देखेंगे ये वाले भाग को, तो ये कौन सी रेखा गई है, ये है मकर रेखा। कौन सी रेखा गई है मित्रों, मकर रेखा। जब सूर्य की किरणें क्या होंगी, मकर रेखा पर पड़ेंगी, किस पे पड़ेंगी मित्रों, मकर रेखा पे, तो क्या होगी, मकर संक्रांति होंगी, मकर संक्रांति। अर्थात मकर संक्रांति क्या है, तो हम यह कह सकते हैं कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तब क्या होता है, मकर संक्रांति होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद हमने एक चीज और बताया था, अगर यह बीच वाली रेखा क्या है, 0 अंश पे है, इसको अगर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, तो ये पृथ्वी को हमारे दो बराबर भागों में बांट दिया, एक कौन सा, जो ऊपर वाला क्षेत्र है उसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और जो नीचे वाला क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। जो ऊपर वाला भाग है उसको क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला भाग है उसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो मित्रों देखा जाए तो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में ना पड़ के किस में पड़ रही है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो हम इसे कह सकते हैं जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं तो उसे क्या बोलेंगे मित्रों, दक्षिणायन।
उसे दक्षिणायन बोलेंगे। तो कहा जा सकता है कि जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं तब क्या होगा, दक्षिणायन होगा। और आपको मकर संक्रांति समझ आ गई, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तब क्या होती है, मकर संक्रांति पड़ती है। और एक बात और बता दें, सूर्य से जो ये पृथ्वी की दूरी है ये सबसे अधिकतम होगी यहाँ पे। जब सूर्य की पृथ्वी यहाँ पर होगी तो जो दूरी होगी क्या होगी, यहाँ पे दूरी अधिकतम होगी। इसके बाद अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं किसकी, जब सूर्य यहाँ पे पहुँचता है, वो पृथ्वी यहाँ पे पहुँचती है और सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो फिर मित्रों सूर्य की किरणें क्या होती हैं कि यहाँ से जाकर सीधी जाकर किस पे पड़ती हैं, विषुवत रेखा पे। यहाँ पे सीधी किस पे पड़ने लगती हैं, विषुवत रेखा पे। मित्रों जब विषुवत रेखा, और ये वाली रेखा हमने आपको बताया थी जो बीचों बीच पृथ्वी को डिवाइड करती है, क्या कहलाती है, विषुवत रेखा। तो जब यह वाली रेखा विषुवत रेखा, अगर यह जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने लगती हैं तब क्या होता है, तब उसको बोलते हैं विषुव। क्या बोलते हैं मित्रों, विषुव। दिख रहा है, देख लें, चलिए ठीक है, दिख रहा है। तो मित्रों विषुवत रेखा पर जब पड़ेंगे तब क्या होगा, विषुव होगा, तब क्या होगा, विषुव होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद 3 माह बाद फिर आया, फिर पृथ्वी हमारी ऐसी हुई। जब पृथ्वी पर अब देखते हैं मित्रों, अभी हमने बताया था ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। अब देखते हैं तो यह जो सूर्य की किरणें हैं कहाँ पे, यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्क रेखा गई होगी। ये कौन सी रेखा गई होगी, कर्क रेखा। तो जब सूर्य की किरणें किस पे पड़ने लग जाएं, कर्क संक्रांति पर पड़ने लग जाएं। मित्रों जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ने लगती हैं तो क्या होता है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, कर्क संक्रांति होगी। तब क्या होगा, कर्क संक्रांति। इतनी बात समझ में आ गया। और एक चीज और, ये कौन सी गोलार्ध पे कर्क रेखा पड़ती है, तो देखा जाए जो कर्क रेखा है वो किस, कौन सी रेखा पे है, उत्तरी गोलार्ध पे है। तो क्या हो जाएगी मित्रों, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो है सूर्य की किरणें कैसी हैं, उत्तरायण हैं। सूर्य की किरणें कैसी हैं मित्रों, उत्तरायण है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो यह पृथ्वी है जो उसका ये झुकाव है कितना है, 23.5 अंश है। और इसके बाद ये बीचों बीच जो रेखा गई है, कौन सी रेखा गई है, विषुवत रेखा। अब यहाँ पर क्या होता है मित्रों, जो विषुवत रेखा है यहाँ पर सूर्य की किरणें फिर कहाँ पे पड़ने लग जाएंगी, विषुवत रेखा पर। जब विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने लग जाएंगी तो मित्रों क्या होगा, ये क्या है, सूर्य की किरणें। क्या है मित्रों, सूर्य की किरणें। क्या है मित्रों, सूर्य की किरणें। तो जब सूर्य की किरणें क्या होती हैं, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने लगती हैं, तो फिर क्या होगा, कौन सी वो हो जाएगा, फिर हो जाएगा मित्रों विषुव। कौन सी घटना घटित होगी, विषुव की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत। चलिए अब इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या, जैसे अपसौर और उपसौर की घटना। मित्रों अपसौर और उपसौर, देखिए मित्रों उपसौर क्या होता है, उपसौर जब उपसौर जो है अपसौर, उपसौर की पहले बात करते हैं मित्रों, तो जो अपसौर होता है इसमें दूरी क्या होती है, अधिक होती है। इसमें दूरी क्या होती है, अधिक। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब पृथ्वी की दूरी सूर्य से अधिक होगी तो वो घटना क्या कहलाएगी, अपसौर कहलाएगी। और जब पृथ्वी सूर्य से क्या होगी, निकटतम होगी, अर्थात निकट होगी, तो कौन सी घटना कहलाएगी, उपसौर। और यह घटना कब घटित होती है, तो मित्रों जब यहाँ पे सूर्य आ जाता, वो पृथ्वी आ जाती है, यहाँ पे क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो यहाँ पे जब यह पृथ्वी आ जाती है तो इनकी दूरी क्या होती है, इनकी दूरी सबसे नज़दीक हो जाती है। सबसे क्या मित्रों, नज़दीक हो जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह कौन सी घटना है, उपसौर की घटना होती है। जो कब होती है, जो 3 जनवरी को होती है। उपसौर की घटना कब होती है मित्रों, 3 जनवरी को। और जब पृथ्वी यहाँ पर आ जाती है
तो क्या होती है, पृथ्वी की दूरी सूर्य से क्या होती है, अधिकतम होती है। क्या होती है, दूरी जो है अधिकतम होती है। तब यहाँ पे जो घटना घटती है वो कौन घटना होती है, अपसौर, अपसौर की घटना होती है। दूरी क्या होती है, यहाँ पे दूरी अधिकतम होती है और यह अपसौर की घटना होती है। और यह जो डेट है 4 जुलाई, क्या है, 4 जुलाई है। इतनी बात समझ में आ गई मित्रों, किसी को कोई दिक्कत, चलिए और देख लेते हैं। अब देखिए, जब यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे मकर संक्रांति होती है और सूर्य जो की किरणें किस पे होती है, दक्षिणायन पे होती है। तो यह टाइम होता है 23 दिसंबर, मित्रों कौन सा, 22 दिसंबर। तो यह जो होता है कौन से टाइमिंग पे होता है, 22 दिसंबर। इसके बाद फिर आगे आते हैं और यहाँ पे जब सूर्य पड़ता है तो यह 22 मार्च को होता है। 22 मार्च के बाद यहाँ पे आते हैं तो ये जो होती है 21 जून की घटना यहाँ पे घटित होती है। इसके बाद जो घटना यहाँ पे घटित होगी वो होगी 23 सितंबर को। अर्थात ये कह सकते हैं कि जब 23 सितंबर होगा तब किसकी घटना घटित होगी, विषुव की। ठीक है, तो ये सारा आप लोगों ने इसको देख लिया और देखने के साथ साथ इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। और देखने के बाद आज का टॉपिक फिर यही, पृथ्वी की समस्त गतियां खत्म हो चुकी हैं। अब हम लोग फिर अगला पॉइंट चलेंगे, जो अगला है वह देखेंगे, अगला टॉपिक। तो पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम वायुमंडल पढ़ेंगे। वायुमंडल के बाद भारत का जो है भौगोलिक स्थिति, या कह सकते हैं भारत का भूगोल या फिर भारत का परिचय, तो इसके बारे में फिर देखेंगे। चलिए मित्रों देख लेते हैं, जब सूर्य क्या होता है, पृथ्वी, ये सूर्य है, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की जब परिक्रमा लगाती है तो एंटी क्लॉक वाइज परिक्रमा लगाती है। कैसी लगाती है मित्रों, एंटी क्लॉक वाइज, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी और सारा कुछ हमने समझा दिया है, तो आप लोग इसे और देख लें। इसके बाद कोई भी अगर आपको क्वेश्चन या कोई भी सवाल या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा।